अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीवी 9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने 2024 चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें की हैं, जो आने वाले दिनों में देश का एजेंडा सेट करेंगी। इस इंटरव्यू में जब टीवी 9 भारतवर्ष ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाएंगे, सुनिए क्या कहा उन्होंने। चुनाव प्रचार में इस वक्त केंद्र में चुनाव के जो मुद्दा है, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, वो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 बरस के हो जाएंगे और 17 सितंबर 2025 के बाद वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। देखिए, केजरीवाल जी अपनी पार्टी ठीक नहीं चला पा रहे हैं। वो जेल में थे तो अपना बाद में किसको यहाँ मुख्यमंत्री बनाना वो भी तय नहीं कर पाए। जेल में रहकर उन्होंने सरकार चलाने का प्रयास किया और वो हमारी पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 29 तक वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद के हमारे चुनाव अभियानों के नेता वही है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जाएगी। क्योंकि बाहर आने के बाद उन्होंने यही नहीं, कई भविष्यवाणियां की। उन्होंने ये भी कह दिया कि तानाशाही आ जाएगी। ये बाकी लोग भी, बाकी विपक्षी दल भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी भी, अब अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। उन्होंने कहा सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा और अगर एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई तो तानाशाही जरूर आएगी। देखिए, इस देश में कोर्ट है या नहीं है, तानाशाही का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं है। इमरजेंसी इनके साथी दल कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। राहुल बाबा और केजरीवाल जी क्या बात कर रहे हैं। देश में 1,30,000 लोगों को किसी भी कारण के बगैर जेल में डाल दिया गया था। देश की संसद को एक्सटेंड कर दिया गया था। आर्टिकल 39 बदलना पड़ा, बदल दिया गया था। मुरारजी भाई ने आकर वापस बदलना पड़ा। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं है। हम तो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाली तब हमारी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जेल में गए थे। वो क्या हम पर आरोप लगा रहे हैं। और ये पूर्ण बहुमत हमारे पास 2 टर्म से है, 10 साल से है। इनकी थ्योरी मान लेते चुनाव ही नहीं आना था। तो बड़ी बातें जो कही इस इंटरव्यू के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए गृहमंत्री का कहना था कि मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, 400 पार सीटें हासिल हो रही, 2029 तक मोदी ही देश के पीएम रहेंगे। ये साफ कर दिया गृहमंत्री अमित शाह ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इस इंटरव्यू में। 2029 के बाद भी मोदी ही हमारे नेता रहेंगे, उनके ही नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगी। केजरीवाल हमें ना बताएं पार्टी कैसे चलेगी, ये कहना था गृहमंत्री अमित शाह का।